हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। तो हमारे एक स्टूडेंट है मिस्टर श्री शर्मा, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है और सवाल थोड़ा सा मज़ेदार है, इसलिए हमने आपके साथ एज ए वीडियो शेयर किया है। तो सवाल ये है, हालांकि मैंने सिंपल सा छोटा डेटा बनाया है, छोटे डेटा पर आपको इफेक्ट समझ में आता है कि आखिर फार्मूला करके आ रहा है, तो आप उसको बड़े डेटा पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन है, उन्होंने अपने टीम को चूज किया हुआ, अब वो अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव है यहाँ पे शो करना। अभी क्या है कि उनको ये जो है कई बार रिपीटेड है, जैसे पूजा को ले लीजिए, पूजा यहाँ पे कई बार रिपीटेड है, तो आप देख रहे हैं किसी में एन है और किसी में वाई है। अब उनका सवाल ये है कि पूजा या कोई भी पर्सन अगर रिपीटेड हालत में है और कहीं भी जो स्टेटस जो है अगर एन हुआ तो यहाँ अप्रूव्ड में एन ही शो करे, वाई शो ना करे, और एन जैसे पूजा के सामने यहाँ भी एन शो करे और यहाँ भी एन शो करे, जहाँ जहाँ पूजा है हर जगह पे बाय डिफॉल्ट एन शो करे। वाई तभी चूज करे जब वो जितने टाइम वो रिपीटेड है सब में वाई हो, किसी एक में भी एन हुआ तो ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ्स का। जी हाँ, काउंट इफ्स में हम सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया वन और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया, फिर स्टेटस वन और यहाँ स्टेटस में हम दे देंगे एन, तो रिजल्ट आएगा नंबर में और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। तो जिस जिसने एन लिया हुआ है उसका नंबर यहां पे सब पे, जैसे पूजा चार बार पे एन है तो आएगा, जैसे उदय को मैं दो बार रिपीट कर देता हूं, दोनों बार वाई है तो जीरो आ रहा है, अगर किसी एक में मैंने वन कर दिया, एन कर दिया, तो यहां पे हमारा एन हो वन हो गया। तो इसको हम इस कंडीशन में डालेंगे कि इफ अगर ए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्क्रीन ताकि आपको दिखे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इफ, इफ में हम यहाँ काउंट इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे वाई आएगा, अदरवाइज एन, और फिर इसको हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो काउंट इफ से प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अगर इसी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, रिपीटेशन को छोड़ देता हूँ, कि मुझे रिपीटेशन का जो है वो हिसाब को हटा देता हूँ, मैं ये करना है कि भाई इसमें कहीं भी एन आया, इस कॉलम में कहीं भी एन आया तो इस सब जगह पे एन होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हमें क्या करना होता, हमें काउंट इफ का इस्तेमाल करना होता, काउंट इफ, और इस पूरे कॉलर को सिलेक्ट करके और फिर यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा में एन देना। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देंगे कि अगर इक्वल टू जीरो है तो वाई है, अदरवाइज एन आ। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिक और ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप मेरे साथ कंप्लीट वीडियो चाहते हैं, सीक्वेंस सीरीज चाहते हैं, तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल ऐप को लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे सर्च करना है एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे तो मेरा ऐप आपके सामने आ जाएगा। फिर भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है लिंक एप्पल का भी और एंड्रॉयड का भी, तो दोनों जो मर्जी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे, मुझे ऐप पे चैट करें अपनी प्रॉब्लम, हम आपके साथ ऐप के अंदर चैट पे रहेंगे और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास ना चाहे तो फिर भी आप ले सकते हैं जूम ऐप के थ्रू, मेरी वेबसाइट iptindia.com है, वहाँ पे जाएं, डेमो क्लास का फॉर्म भरें। थैंक यू।